हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था टेंस चार्ट, ओके, जो बहुत ही हेल्पफुल है सेंटेंस को हर टाइम में, हर टेंस में फ्रेम करने के लिए। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। और आपका जो एक प्रॉब्लम है कि किस टेंस में हम कौन सी वर्ब, कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब को लेकर एक सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, वो डाउट भी आपका क्लियर हुआ होगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि इसमें कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज होती है, कौन सी मेन वर्ब किस फॉर्म में हम यूज करते हैं, ओके। और हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव तीनों ही सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सो टुडे इज डे 27 एंड आई एम रक्षा एंड आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल रक्षाज इंग्लिश क्लब। ओके फ्रेंड्स, सो सी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ता है, ती है और ते हैं, ओके। वह ऐसा करता है, वह ऐसा करती है, वे सभी ऐसा करते हैं। इट मींस ये वो सेंटेंसेस हैं जिनकी हमें रेगुलर हैबिट है बोलने की, ओके, जिनको हम लगातार यूज करते हैं, ओके, जिनको हमें करने की आदत है, जो हमारा रूटीन है, ओके। या हम वो नहीं कर सकते या क्या हम वो कर सकते हैं, मींस अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव मींस नो और नॉट इज कमिंग इन दैट सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव मींस वी आर आस्किंग द क्वेश्चन। नाउ देयर इज वन मोर पॉइंट, क्वेश्चंस सिर्फ क्वेश्चन वर्ड से फ्रेम नहीं होते, और व्हाट, हाउ, वेयर, लाइक दैट, नो, उनको हम ऑक्सिलरी वर्ब से भी फ्रेम कर सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी ऑल दीज थिंग्स। तो हमने सीखा था लास्ट वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस मींस सेंटेंस में आता है ता है, ती है और ते है, ठीक है। इसके बाद दो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती हैं, कौन कौन सा, डू और डज, ओके। डू ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और डज ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। नाउ अभी यहाँ भी एक पॉइंट है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है। प्लूरल सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, यू, ओके। नाउ सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट और एनी नेम। तो ये तो बहुत ही हमें क्लियर है, ही, शी, इट एंड एनी नेम। बट हियर एक क्वेश्चन है, आई और यू, आई मीन्स मैं, यू मीन्स आप, तुम, ठीक है। तो ये तो सिर्फ एक ही पर्सन है, मीन्स सिंगुलर है, तो ये प्लूरल में कैसे आए। एक्चुअली जब हम ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब यूज करते हैं, तो ये जो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, वो हमेशा आई और यू को एज अ प्लूरल सब्जेक्ट ही लेती है, ओके। मतलब मैं ये बोलूंगी आई रन, मैं ये नहीं बोलूंगी आई रन्स, ओके। मैं ये बोलूंगी यू स्पीक, ये नहीं बोलूंगी यू स्पीक्स, ओके। तो व्हाट इज द फॉर्मूला दैट व्हाई वी टेक आई यू हियर इन द प्लूरल सब्जेक्ट, क्योंकि जो ऑक्सिलरी वर्ब डू है और जो मेन वर्ब है वो आई और यू को हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट में ही लेते हैं, इसलिए हम आई और यू को प्लूरल सब्जेक्ट में रखते हैं, ओके। ऐसा ही सेम केस हैज और हैव के साथ होता है, दो दे आर सिंगुलर बट दे विल टेक, जो आई और यू है वो क्या लेंगे, प्लूरल, प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, मींस हैव नॉट हैज, आई हैव यू हैव नॉट आई हैज यू हैज, ओके। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नाउ यू सी प्लूरल सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, अभी हम इससे सेंटेंस फ्रेम करेंगे और हम देखेंगे उनका हिंदी मीनिंग भी और कैसे हम उससे नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों ही सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, ओके। नाउ सी आई टीच इंग्लिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमने टेंस चार्ट में देखा था। अगर आपने टेंस चार्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके दिए गए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं, सो देन दिस वीडियो विल बी मोर क्लियर टू यू, ओके। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, ओके, और ऑक्सिलरी वर्ब डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। नाउ
इंग्लिश, टीच इज द फर्स्ट फॉर्म. ओके, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं, टी हूं. ओके, नाउ इट्स क्लियर. टी डू, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं, मींस दिस इज माय रूटीन, दिस इज माय हैबिट. नाउ यू प्ले क्रिकेट, प्ले इज द फर्स्ट फॉर्म, तुम क्रिकेट खेलते हो, ते हो. ओके, ते हो मींस सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये तुम्हारी हैबिट है, ये तुम्हारे रूटीन में है. ओके, ये हम रोज करते हैं. यू प्ले क्रिकेट. नाउ वी डू नॉट, यहाँ देखो अभी मैंने यहाँ पर लिया है नेगेटिव सेंटेंस. ओके, वी डू नॉट नो टू ड्रॉ, हम ड्रॉ करना नहीं जानते हैं. जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो यहाँ पर डू यूज होगा. ओके, जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हमें ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना होती है. कभी भी हम अगर हमें सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है लाइक दीज, दीज आर द अफर्मेटिव सेंटेंस. ओके, तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो यहाँ पर डू यूज नहीं होगा. ओके, आई डू टीच इंग्लिश, नो. ओके, लेकिन अगर हमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वहां पर डू यूज हमें करना होता है, दिस इज रूल. ओके, सो वी डू नॉट नो टू ड्रॉ, हम ड्रॉ करना नहीं जानते हैं, ते हैं. ओके, हम ड्रॉ करना नहीं जानते हैं, वी डू नॉट नो टू ड्रॉ. नाउ इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में डू पहले आ जाएगा क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछना है. डू दे डांस वेल और क्वेश्चन मार्क, ये तो आपको पता है, ये क्वेश्चन एंड मींस क्वेश्चन मार्क वी हैव टू पुट. ओके, डू दे डांस वेल, क्या वो अच्छा डांस करते हैं, मतलब ये उनका रूटीन है, ये उनकी हैबिट है, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि क्या वो करते हैं. ओके, ते हैं, क्या वो, ये सेंटेंस इंटरोगेटिव मींस क्या से फॉर्म होगी. ओके, क्या वो अच्छा डांस करते हैं, डू दे डांस वेल मींस ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, जो हमारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है. ओके, नाउ डोंट यू कुक फूड टुडे, क्वेश्चन मार्क, अभी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव. ओके, डोंट यू, क्या तुम नहीं, डोंट यू कुक फूड टुडे, क्या तुम आज फूड कुक नहीं करते हो. ओके, क्या आज तुम कुक फूड नहीं करोगे, करते हो. ओके, सो दिस इज अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वी हैव सीन. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट एंड सिंगुलर नेम. ओके, वी विल सी, अभी सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन सी वर्ब यूज होगी, डज. ओके, हमेशा सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब डज लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी और सेम रूल रहेगा, अफर्मेटिव मीन्स डज यूज नहीं होगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन इंटरोगेटिव मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगी. ओके, इट इज नॉट लाइक जैसे यू प्ले क्रिकेट, तो अगर हमें इसका नेगेटिव बना सॉरी इंटरोगेटिव बनाना है तो हम ये नहीं बोलेंगे प्ले यू क्रिकेट, नो, डू यू प्ले क्रिकेट. ओके, लाइक दैट. तो हमें जब क्वेश्चन पूछना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो हम ऑक्सिलरी वर्ब डू और डज का अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज करते हैं. ओके, नाउ सिंगुलर सब्जेक्ट ही सिंग्स. नाउ हियर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस और ईएस लगेगा. ओके, दिस यू कीप इट इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी तो उसके साथ एस लगता है. ओके, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. ही सिंग्स, सिंग्स मेलोडियस सॉन्ग, वह मेलोडियस सॉन्ग गाता है, ता है. ओके, नाउ डस शी रन फास्ट, डज शी रन फास्ट. नाउ ये मैंने यहाँ एस इसलिए लिखा था आपको बताने के लिए कि अभी
हम क्वेश्चन बना रहे हैं और डस हमने यहाँ पे लगा दिया है, इट मीन्स यहाँ पर एस नहीं आएगा. ओके यहाँ पर एस नहीं आएगा क्योंकि हमने डस लगा दिया. जब हम इसका आंसर देंगे तो फिर ये जो वर्ब है वो एस को ले लेगी, मीन्स रन का रन्स हो जाएगा. ओके सो डज शी रन फास्ट, क्या वो तेज दौड़ती है, ती है. ओके नाउ इट डजंट चेंज रैपिडली, यह रैपिडली चेंज नहीं होता है. ओके डजंट नेगेटिव सेंटेंस, डज के साथ नॉट, प्लूरल में डू के साथ नॉट, सिंगुलर में डज के साथ नॉट. ओके नाउ डजंट मानक, अभी हमने सिंगुलर सब्जेक्ट लिया हुआ है और मतलब नेम है. ओके सिंगुलर सब्जेक्ट में और हम इसका नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव बना रहे हैं, मीन्स डज के साथ नॉट किया जाएगा. डजंट मानक ड्राइव सेफली, क्या मानक सेफली ड्राइव नहीं करता है. ओके डजंट मानक ड्राइव सेफली, तो जब हम इसका आंसर देंगे इफ यस और नो, यस मानक ड्राइव्स सेफली, हाँ मानक सेफली ड्राइव करता है. ओके और नो मानक डजंट ड्राइव सेफली. ओके अगर डज यूज हो रहा है देन वर्ब हमारा एस नहीं लेगा. ओके अगर डज है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली आएगी, लेकिन अगर डज नहीं है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आएगा. दिस यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड. ओके सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे, अफर्मेटिव नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सिंपल प्रेजेंट टेंस में. सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हमारी हैबिट है, जिन्हें हम रोज करते हैं, जो हमारे रूटीन में है. ओके अफर्मेटिव सेंटेंस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. जब हम प्लूरल सब्जेक्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट के पहले डू आ जाएगा. ओके जब हम प्लूरल सब्जेक्ट में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट के बाद डू नॉट आएगा. और जब प्लूरल सब्जेक्ट में हम नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव दोनों सेंटेंसेस बनाएंगे तब डोंट डू नॉट. ओके डू नॉट प्लूरल सब्जेक्ट के पहले आएगा. ओके नाउ सिंगुलर सब्जेक्ट में जब हम तीनों सेंटेंस बनाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट में अगर डज है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपली यूज होगी, अगर सेंटेंस में डज नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस लगाना होगा. ही सिंग्स ऐसा है. ओके देन इंटरोगेटिव सेंटेंस डज सब्जेक्ट के पहले, डज शी रन फास्ट. ओके और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सो डज नॉट पहले आ जाएगा, और नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद डज नॉट आ जाएगा, लेकिन डज आ रहा है इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज नहीं होगा. ओके सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू सम सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस. ओके आप जब उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे दैट विल बी अ वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर यू. सो दीज आर द sentences in Hindi. Okay? Writing पे नहीं जाना है. I am not that much good in Hindi writing. Okay? So, ये sentences आपको English में translate करने हैं and I am damn sure कि ये आपको बहुत help करेंगे आपको sentence frame करने के लिए और एक idea आपके mind में setup हो जाएगा. Okay? So, मैंने सारे subject को लेकर और सारे affirmative, interrogative और negative and interrogative, negative both सारे पार्ट्स को लेकर ये सेंटेंस बनाए हैं. आई होप आप इसको सॉल्व करेंगे, इनको ट्रांसलेट करेंगे एंड दीज आर रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ओके सो आई एम गोइंग टू वंस रीड फॉर यू. मैं बाजार जाती हूँ, आप बाजार जाते हो, हम बाजार नहीं जाते हैं, क्या वे बाजार नहीं जाते हैं, वह बाजार जाता है, क्या वह बाजार जाता है, क्या समीर बाजार नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता है. तो आपको इनको इंग्लिश में एक बार आप ट्रांसलेट करके देखिए. ओके और अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है यू कैन मेल मी एट rakshaenglishclub@gmail.com और यू कैन पुट योर कमेंट इन द ड्रॉप बॉक्स ऑल्सो. ओके एंड इफ स्टिल यू हैव नॉट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो डू इट नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर माई अपकमिंग वीडियो एंड टू फिक्स योर प्रॉब्लम. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल एट योर होम. थैंक यू.